जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप बोरी से चोरी हो रही है, 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, क्या करेंगे? किसका मोबाइल है? इनकी समस्या है और सरकार सुन रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हो, मुझे ये भी बता रहे हैं कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे वरना बारिश हो गई, अपनी बारी भगवान की हमारी खेतों में पानी आ, उसके बाद कम से कम रात को दिलवा देते हैं, सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्हें कम से कम उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। क्या माना जाए? क्या माना जाए? सरकार लानी लान लगा रही है, सरकार के लानी लान लगा रही है, पहले GST की लान लगाई है, फिर आपको लग रहा है कि सरकार अक्षम साबित हुई है? हाथ बिक रहे हैं योगी सरकार, देखिए सरकार पूरी तरह से फेल है, किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है, ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ चार परिवारों के साथ ये हुआ, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों की बात करें तो जिस तरह से किसान परेशान रहा, पर तो अधिकारी अफसर शाही को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या किसानों को लाठी मारी गई यहाँ पर? ये कह रहे कि हम गए, एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं थी, सरकार ने 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया था, मैं 2 लाख रुपए दिए मैडम चरम जी। आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे, वो मंत्री अभी भी बना है, उसके अंदर इंक्वायरी क्या होगी, आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे हैं आप, आपको बता दें कि इस वक्त ललितपुर में है प्रियंका गांधी वाड्रा, वहाँ पर किसान परिवारों से मिलने गई थी, आपको बता दें कि लाइन में लगने की वजह से 4 किसानों की मौत हो गई थी, एक किसान ने खुदकुशी भी की थी, और ऐसे ही परिवारों से मिलने पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे वो लखीमपुर खेरी कांड हो या फिर ललितपुर में हुई मौतें किसानों की, हर मोड पे वो किसानों के साथ खड़ी नजर आ रहे हैं। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, दिवाली को लेकर सीएम ने अधिकारियों